इलेक्शन के पहले सबने कहा था कि ईडीसी को मैक्सिमम ऑटोनॉमी देंगे, फुल राइट्स देंगे। आज इलेक्शन खत्म होने के बाद भी हम यहाँ आते हैं और गवर्नर हमसे मिलते नहीं है। ठीक है, शायद वो बहुत बिजी हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कलकत्ता से या दिल्ली से कोई भी अगर उनका मेहमान आता तो वो दो मिनट में मिलते हैं। हम लोग यहाँ में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें पब्लिक ने चुना है वोट देके। जब हम जाते हैं मिलने के लिए तो हमसे कोई मिलता नहीं है। बस कर था तो क्या बाबा, ভিতরে যাইতাম না তো আমরা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে না তো আমরা, उनका हेल्थ ठीक नहीं है। ये चिट्ठी है, आप ले लीजिए और एक चिट्ठी को रिसीव करा दीजिए। बापी रणवीर को, बापी नहीं, ठीक है, अंदर नहीं लाने का। The governor seems to be busy or he is unwell. I wish him all the best for his health. But हमें भी अपना बात करने का अधिकार है और हमारे बहुत bills pending है, customary law bill pending है, लैंड रिफॉर्म बिल पेंडिंग है, और तो ये स्टेप मंथली ट्रीटमेंट है। लेकिन जो भी है हमने चिट्ठी में दिया है, ये चिट्ठी का कॉपी आप मीडिया को दिया जाएगा। और आप भी प्लीज़, आप लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम बुकुंग बारा लोगों को, लेकिन ये जो चिट्ठी है ये ब्लैक एंड वाइट है। आप पढ़िए कितना रुपया मिला है, कितना रुपया मिलने का बात था, क्या क्या बिल्स पेंडिंग है, ये सब आप देखिए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ के जनजाति के संग क्या अन्याय हो रहा है।